क्वेश्चन नंबर थ्री इज, डज हैविंग टेली सेल्स एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव बोथ इन टच ऑफ बायर कॉज प्रॉब्लम्स? सो इसका आंसर है नो। इसका आंसर है नो, इट डजेंट। व्हाई? सी, इसका एक रीजन है। आप कोई भी सेल्स प्रोसेस में जाते हैं ना, जब ये एक बायर होता है तो बायर इज इन कॉन्टैक्ट विद मेनी डिफरेंट पीपल, इवन विद अदर कंपनीज। ही विल स्पीक टू अ कॉल सेंटर, देन ही विल आल्सो स्पीक विद लेट्स से साइट इंजीनियर, राइट? लेट्स से इस कस्टमर को अपना अपनी कार सर्विसिंग करानी, ठीक है? लेट्स से दिस कस्टमर वांट्स टू गेट हिज कार सर्विसिंग डन, सो ही इज कॉलिंग टू द कॉल सेंटर ऑफ द कंपनी, देन ही इज गोइंग एंड टॉकिंग टू द साइट इंजीनियर और अ वर्कशॉप, राइट? वर्कशॉप डायरेक्ट, राइट? After that, he is talking to the billing department person. After he is come back from the service, he may get a call from call center or maybe somebody else asking about the feedback. So it is the same customer who is talking to different people, right? बट देर इज नो प्रॉब्लम, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज द इंफॉर्मेशन दैट दिस कस्टमर इज शेयरिंग टू एनी ऑफ दीज पीपल, राइट, इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ देम। अगर उसको इंफॉर्मेशन रिपीट करनी पड़े देन देर विल बी अ प्रॉब्लम, बट इफ दिस कस्टमर इज नॉट नीडेड टू रिपीट द इंफॉर्मेशन, तो उसने एक बार जो चीज बताई, अगर वही इंफॉर्मेशन उसको पता है कि बाकी लोगों को भी मालूम है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। तो आज की डेट में भी एक कस्टमर एक ही कंपनी के मल्टीपल टच पॉइंट्स पे बात करता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। सिमिलरली अगर हम रियल इस्टेट में बात करें, इसीलिए अगर हम रियल इस्टेट में बात करें, तो अगर मेरा कस्टमर अगर टेली सेल्स के पर्सन से बात कर रहा है और वो फील्ड विजिट या फील्ड सेल्स पर्सन से बात कर रहा है, तो अगर ये पर्सन इससे भी बात कर रहा है और इससे भी बात कर रहा है और उसको मालूम है कि ये इंफॉर्मेशन दोनों जगहों पे अवेलेबल रहेगी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, राइट? सो रियल एस्टेट सेल्स में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, एक ही कस्टमर मल्टीपल लोगों से बात कर सकता है। इज इट क्लियर? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में रहता है कि सर इससे तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, इससे तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। भाई क्यों कंफ्यूज हो जाएगा, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? मिसअंडरस्टैंडिंग तभी हो सकती है जब आपका टेली सेल्स का पर्सन और आपका फील्ड सेल्स का पर्सन अलग अलग इंफॉर्मेशन कस्टमर को देते हैं। यस और नो? यस और नो? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? द ओनली रीजन देयर वुड बी अ कंफ्यूजन is that people are giving different information. If they are giving the same information, there will not be any confusion. Clear? Okay.